हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों इस वीडियो को आप जो गौर से देखिएगा, अगर आप सिलचर पे आप रनिंग के लिए इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर हो रहे हो तो आज का ये वीडियो में लॉन्ग जंप का मैंने वीडियो यहाँ पे अपलोड किया है। देखिए लॉन्ग जंप पे जो लोग कैंडिडेट लॉन्ग जंप मार रहे हैं उन लोगों का रनिंग वे काफ़ी कम है, कम से कम 10 मीटर्स या 20 मीटर्स होगा। इन 10 मीटर्स या 20 मीटर्स आप दौड़ के आके लॉन्ग जंप ज़्यादा दूर तक मार नहीं पाओगे, तो आप घर पे जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा। 10 मीटर्स दौड़ के आके आप लॉन्ग जंप लगाइएगा। इस इतना कम रनिंग करने से आप हाईएस्ट यानी लॉन्ग फिट तक लॉन्ग जंप नहीं लगा पाओगे, तो आप जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा। अभी से देख लीजिए ये दोस्तों। मैं और एक इम्पोर्टेंट बात बताना चाहता हूँ, अगर सिलचर पे लॉन्ग जंप मारने के लिए रनिंग में कम दिया जा रहा है तो ज़्यादा लॉन्ग फिट तक कैंडिडेट लॉन्ग जंप नहीं लगा पाएंगे। अगर दूसरा डिस्ट्रिक्ट में अगर रनिंग वे ज़्यादा है तो उस डिस्ट्रिक्ट पे लॉन्ग जंप ज़्यादा लॉन्ग फिट तक इन कैंडिडेट ने मारेंगे, तो यहाँ का वहाँ का मार्क ज़्यादा कलेक्ट करेंगे। और तो सिलचर पे जितना कैंडिडेट उन लोगों का लॉन्ग जंप में मार्क कम आएगा और दूसरा डिस्ट्रिक्ट में मार्क ज़्यादा होगा, तो अल्टीमेटली क्या होगा, असम पुलिस में ऑल ओवर असम में मार्क दूसरा डिस्ट्रिक्ट पे ज़्यादा होगा, सिलचर पे कम आएगा, तो सिलचर पे सिलेक्शन सिलेक्ट कम होंगे कैंडिडेट। मेरा हिसाब से आप लोग सोच लीजिएगा, क्या मैं जो बात बताने जा रहा हूँ आप लोग गौर से सोचिएगा एक बार। तो दोस्तों मैंने जो इम्पोर्टेंट बात बताया है उसी के बारे में आप क्या सोच रहे हो, आप समझा या नहीं समझा मुझे कमेंट बॉक्स में मुझे मैसेज करके बोलिएगा। एंड इसके बारे में कोई सुझाव है तो आप नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा एंड इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि सबको सब कैंडिडेट को पता चले प्रॉब्लम क्या हो रहा है कैंडिडेट का, एंड सबको पता चले इसके बारे में। एंड चैनल वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, थैंक यू। फिर भी दोस्तों आप लोग एक बार कन्फर्म कर लीजिएगा, मैं तो ये वीडियो देख के बता रहा हूँ आपको। ओके okay?